नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अमिन 24। इस समय वार्ड नंबर 6 में पहुंचे हैं और वीरेंद्र बंसल यहां पर पहुंचते हैं, क्योंकि जिस तरीके से चेयरमैन के चुनाव जो है, नगर निकाय चुनाव जो है वो होने वाले हैं और चेयरमैन की कुर्सी के लिए जो चुनाव होने वाले हैं उनको लेकर आज वार्ड नंबर 6 में पहुंचे हैं और लोग भी उन काफी ज्यादा समर्थन उन्हें जो है तरीके से देते हुए नजर आ रहे हैं वार्ड नंबर 6 के अंदर। और यहां पर देख सकते हैं आप धर्मपाल गोंदर जो है उनका भी स्वागत जो है जोरों शोरों से लोग करते नजर आ रहे हैं। और मेरे साथियों, मैं बुजुर्गों, मैं मेरी मातृशक्ति। तो वार्ड नंबर 7 से इस समय आप देख सकते हैं वीरेंद्र बंसल जो है सभी को संबोधित करते हुए। वार्ड नंबर 7 मेरे, ये पहले मुझे एमपी कहते थे कि तू तो सारे वार्डों में जाता है, हमारा काम खराब करता है। तो मैं कहता था मेरे पास जो भाई आएगा मुझे तो काम के लिए भाई उसके पास जाना पड़ेगा। मेरे पास 36 नागरिक के साथी मेरे पास आते थे, चाहे वो मातृशक्ति हो, चाहे कोई मेरा भाई हो। मेरे पास अगर 10-12 साल का बच्चा भी चला गया, मैं उसके साथ भी जब भी चल गया, जो भी काम हो सब काम कराया। मैंने कभी जात पात का भेद नहीं किया। जो आज ये मेरे भाई बरादरी का वो मतभेद कर रहे हैं, मैंने कभी ऐसा नहीं किया। मैंने कोई 36 बरादरी का साथ लेके चला, ना मैंने कोई बरादरी का किया, ना कोई पार्टी का किया। जो भाई आता था उसको साथ ही उसका काम, चाहे वो दिन था चाहे रात था, उसी टाइम उसके साथ जा करके काम करवाया। और भाइयों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हमारे शहर में जहाँ जहाँ आपके जयनगर में नाले का काम है, चाहे वो कोई सड़क का काम है, वो 25 तारीख को जब्त लेंगे, साथ ही एक महीने के अंदर आपका काम सारा जो भी है कराया जाएगा। हमारे यहाँ जयनगर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कई भाइयों को 2.5 लाख रुपए नहीं मिले, किसी भाई के बीपीएल कार्ड नहीं बने, वह दोनों काम पूरे कराए जाएंगे। और जो आयुष्मान कार्ड 2011 में शुरू हुआ था उनके अनुसार बने थे और वो दोबारा सर्वे कराकर आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। जो चिट्ठी रोड से लेके हमारे फाटक तक जो पानी की सीवरेज नहीं था, जब बरसात आती थी वहां से लेकर और पानी की घोटे घोटे तक पानी आ जाता था, बहुत निकलना मुश्किल होता था, वह भी पूरा करा दिया है। उसका टेंडर हो चुका है और उसके पैसे जो लाइन के नीचे से पाइप निकलने के उसके पैसे रेलवे के पास जमा हो चुके हैं और वह काम जल्दी पूरा किया जाएगा। और हमारे शहर में जो किले के सामने पार्क का काम है उसका भी टेंडर हो चुका है, वह भी जल्दी शुरू हो जाएगा। और हमारे शहर में जो खेल स्टेडियम है या कोई लाइब्रेरी का काम है, वह सब काम कराए जाएंगे। और जो भी हमारे नहर का जो सुंदरीकरण है उसका, वह भी हमारे विधायक ने उसके 2 लाख रुपए जो हमारे शहर में दयानगर के पास ये जो हरी नहर है इसमें 2 करोड़ रुपए का पास हो चुके हैं और उसका काम भी जल्दी। हमारे शहर का कोई भी काम ऐसा नहीं होगा जो नहीं होगा। और हमारा शहर सारे हरियाणा में सबसे सुंदर होगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। और जो हमारे गरीबों का साथी हमारे चेयरमैन साहब, हमारे आप देख सकते हैं महिलाएं भी जो हैं इलाके की वो भी पहुंच गई हैं और उन्हें उनका स्वागत जो है करने के लिए महिलाएं भी इधर आई हैं। और मैं तो एक बात बता दूंगा कि हमारे विधायक साहब ने हमारी ही गली में, हमारे ही शहर में
बकायदा जो है चौपाट बनाने की भी जो वादा है चौपाट बनाने का वो भी किया है वीरेंद्र बंसल ने, और बकायदा कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। हमें वीरेंद्र बंसल को सपोर्ट करना है, हम उनको चेयरमैन पद के लिए उठाएंगे। बार बार फोन आ रहे थे, मैं बोले भी इनको क्या वीरेंद्र बंसल रह गए कल्ले तरोड़ी में, और भी तो बहुत लोग हैं, बहुत नेता जो चेयरमैन निकल चुनाव लड़ेंगे, वो कह रहे हमने इनके सिवाय किसी को चुनना ही नहीं। मैंने क्या क्या खासियत है एक, उन्होंने कहा भी ये दिन रात हमारी सेवा में खड़े हैं, रात को दिन को किसी टाइम भी हम फोन करें, हमारे साथ अपनी मोटरसाइकिल उठाएंगे, गाड़ी उठाएंगे, हमें लेकर हमारा काम कराते हैं। मैं भी आपसे निवेदन करता हूँ ऐसा ही नेता चाहिए जो दिन रात, जैसे हमारे दरवाजे खुले हैं दिन रात, कोई और मेरे को बीच में किसी को लाने की जरूरत नहीं। से एक बच्चा आएगा एक बुढ़ा आएगा तो भी उतना ही रिकॉर्ड है, 200 आदमी आएंगे तो भी उतना ही रिकॉर्ड है। और एक बात और बता देना चाहता हूँ, कुछ तो हमें कोरोना की मार मार की जब से हम विधायक बने, मुझे तो एक साल काम करने का मौका मिला करोड़ी में, हाउस में जो भी काम होते थे हम पास करवाने के लिए भेजते थे, आपकी गलियों का हो सीवरेज का हो, हमें पास नहीं होने दिया, तो राज किसी और का था। आप जो आप लोग जो ने ये वीरेंद्र बंसल को चुनोगे, आप भारी मतों से चुनोगे, मेरे को पता लग गया आपका जो प्यार है। आप कुछ लोग तो ये कह रहे हैं अभी वीरेंद्र बंसल के हमने साइन कराने की जरूरत नहीं, हम खुद ही साइन कर लेंगे, ऐसा नेता तो होना ही चाहिए। और मैंने भी ये कहा था अभी मैं विधायक नहीं हूँ, मैं आपका सेवकों का जो जनता है वही मेरे सभी MLA हैं, मैं उनका सेवक हूँ। ऐसे वीरेंद्र बंसल जी को आप वीरेंद्र बंसल सभी वीरेंद्र बंसल बनकर वोट मांगे और इनको ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जिताएं, ये मेरी प्रार्थना। एक आपकी समस्या थी जो हम फिर जब त्रोड़ी नगर पालिका में बहुत पैसे थे हमें नहीं मिले, फिर मैं माननीय मुख्यमंत्री से अभी पैसे ले आया हूँ। एक तो ये जो ड्रेन है आपके सामने त्रोड़ी ड्रेन, ये 2 करोड़ की लागत से बनेगी, इसका सौंदर्यकरण होगा, दोनों पासे ग्रिल लगेगी, साफ सुथरे दोनों पासे वहाँ सड़क बनाई जाएगी जिसमें आप सैर कर सकते हो, फूल पौधे लगेंगे, 2 करोड़ की लागत से इसका टेंडर लग चुका है। एक किले के सामने जो तालाब है 2.5 करोड़ उसके पास हो चुके हैं, चारों पासे उसकी सड़क बनेगी, चार द्वारी होगी, सौंदर्यकरण होगा उसका, और किले के सामने एक पार्क है 70 लाख रुपए उसके आ चुके हैं, उसका टेंडर लग चुका है, वो भी सौंदर्यकरण होगा। बाकी भी समस्या थी जो रेलवे लाइन और GT रोड के बीच में 4-5 कॉलोनी थी, एक तो डोडवा कॉलोनी, विश्वास कॉलोनी, दुर्गा कॉलोनी, विक्रम कॉलोनी, ये लोग बड़े परेशान थे, वहाँ पानी भरा रहता है सड़कों पर, उनकी डिमांड थी भी हमारा कोई सीवरेज का सिस्टम बन जाए। सीवरेज का सिस्टम तो बन ही जाता है, उसकी निकासी का कोई साधन था, हम रेलवे में जाकर 1 साल लगे हमारा, पता नहीं कितने चक्कर लगे होंगे, दिल्ली NOC ली, रेलवे के नीचे से जो पाइपलाइन निकलेगी वो हमें रेलवे से मंजूरी मिल चुकी है सेंट्रल से, और 4.5 करोड़ की लागत से वो सीवरेज बनने जा रहा है। और जब मैं बात दिया MLA बना, जब मैं करनाली गेट से निकला वो पुड़िया तो खराब थी, काफ़ी उसमें दिक्कत में थे वहाँ निकटने में, हमने उसमें और बजट पास मिलवा के री एस्टिमेट बनवा के वो पुड़िया बन गया। वहाँ के जो फ्रूट वाले थे सब्जी वाले थे उनकी एक शिकायत थी, लोग जी हमें किसी ने 100 रुपये महीना देना पड़ता है, किसी ने 200 रुपये महीना देना पड़ता है। मैंने कहा किसको देना पड़ता है, लोग कहीं हमारे से धक्के से लिए जा रहे हैं, मैंने कहा आज के बाद कोई किसी को पैसा नहीं देना। और फिर कुछ शिकायत आई भी पुलिस वाले हमारे से कुछ फ्रूट लेंगे और थैले में डलवा के चलते बनते हैं, सब्जी लेंगे थैले में डलवा के चलते बनते हैं, मैंने कहा उनका नाम नोट कर लेना, आज के बाद किसी पुलिस वाले को पैसा नहीं देना पड़ेगा। ऐसे रेडी वाले इतने खुश हैं आपके, हम भी गरीब लोग हैं वो भी गरीब, सही बात है। तो मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, जो दिन रात आपकी सेवा में खड़े हैं वो है हमारे भाई वीरेंद्र बंसल जी, 19 तारीख को AC का बटन दबाना है, 3रे नंबर पे है, और अधिक से अधिक वोट इसको दें। और अभी बाहर के नेता दूसरी पार्टी के नेता दिल्ली से पंजाब से
से हिमाचल से और ये हरियाणा से बड़े बड़े लोग आएंगे आपके बीच में, बड़े प्रलोभन देंगे। इससे पहले तो वो यहाँ बड़े नहीं, वीरेंद्र बंसल नहीं आपके बीच में रहना, हमने ही आपके बीच में रहना। आप इस करके जो लोग कह रहे हैं अभी हमने वीरेंद्र बंसल के साइनों की जरूरत नहीं, हम तो खुद ही साइन लिख लेंगे, उनका नाम लिख लेंगे, काम करवा लेंगे। ऐसे नेता आपके बीच में वीरेंद्र सिंह जी भी अरे आप ड्यूटी आपकी है, आप लोगों ने वोट देनी, आपने मोहर लगानी। तो ये बात सबसे प्रार्थना है कि जो 19 तारीख का जो समय है उसके वास्ते बिल्कुल हर एक आदमी अपने आप को वीरेंद्र बंसल समझो। थम भाई हम हैं, हमने इलेक्शन जीतना है और इस बार जीत भी था रही है। यहाँ तो लोग अपने को बैठ देंगे, हम भी को बैठ देंगे, लेकिन इन जितनी गरीब जनता पड़ी इनकी हार जीत है। और यहाँ की करौड़ी की जीत है, नहीं करौड़ी की जीत, इस गांव के अंदर, इतरौड़ी के अंदर जितनी गरीब जनता है नहीं, सारी सब की जीत है, एमएलए की जीत है, भाई वंशन जी की जीत है, लेकिन पहला नंबर गरीब जनता की जीत है। सारी इतरौड़ी की गरीब जनता इनके साथ है, इज्जत बेइज्जती आपके हाथ में। इस वास्ते अपना बिल्कुल सबके सब का बिल्कुल तय दिल से वोट का प्रयोग करना। चेयरमैन वाली उसमें तीसरे नंबर पे और बिल्कुल आपस में ड्यूटी लगा लियो, एक दिन पहले बिल्कुल मिलनसार हसमुख, जो भी माता जिस समय घर में आना चाहे, कोई भी काम हो आ सकती है, मेरे पड़ोस में ही रहती है, आके कोई भी दुख तकलीफ हो आपका आप मेरे पास भी आ जाएं। मेरा नाम मुक्ता भारती, देवी जी खेड़े के पास रहती हूँ। कोई भी काम हो आप फौरन आइए, माताओं को कोई भी दुख हो, तकलीफ हो, कोई कष्ट हो, कोई सता रहा हो, आप बेधड़क होकर आ सकती है। माताओं, इस शहर में एक बहुत बड़ा जागरण होने जा रहा है, बच्चे बच्चे का कष्ट कुछ भी नहीं रहेगा, सारा नगर सुखी हो जाएगा। ये क्षेत्रपाल भगवान का आशीर्वाद है, इनको खेड़ेगा नगर, खेड़ेगा आशीर्वाद हो गया, इनको संतों का आशीर्वाद हो गया, सारी मातृशक्ति का बच्चा बच्चा वीरेंद्र बंसल का हो गया, बच्चा बच्चा वीरेंद्र बंसल। आप सब लोग वीरेंद्र भाई को भारी बहुमत से विजयी बनाए और ये विजयी हो चुके हैं, भाई वीरेंद्र बंसल। तो यहाँ पर लोग भी जो है फिलहाल उनके समर्थन में क्या कहना चाहोगे? हाँ, ये बिल्ला मन्ना जी है, जरूरी है जी, बिल्ला और ये प्रधान दोनों बंदे आने जी हैं यहाँ, मौके ऊपर मान ले दोनों बंदे जी हैं जी। हाँ, ये बंदे काम करने वाले बंदे आए हैं हमारा। यहाँ पर जो है फिलहाल लोगों में जो रुझान है वो वार्ड नंबर 7 से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे, और फिर से जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।